गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं बहुत ही अच्छा वीडियो। तो ये एक होम रेमेडी है जो कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। तो ये उनके लिए जो ऑफिस वर्क करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में और अपनी स्किन को मेनटेन नहीं रख पाते हैं, तो ये चीज़ उनके लिए है। तो ये एक टमाटर की होम रेमेडी है। तो आप एक टमाटर से कैसी अपनी स्किन को ग्लो बना सकते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा गोरी हो जाती है आपकी स्किन, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो आपका रियल स्किन कलर है वो इससे मेंटेन रहता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं वो इतना अपने स्किन को मेंटेन नहीं रख पाते हैं, तो ये उनके लिए है कि एक टमाटर से कैसे आप 5 मिनट में रोज़ उसको यूज़ करके अपने स्किन को मेंटेन रख सकते हैं। तो जो टमाटर होता है उसमें सिट्रिक एसिड होता है, तो जो आपके स्किन पे डलनेस एंड डार्कनेस जो आ जाती है तो ये उसको हटा देता है। तो आपकी स्किन को ये हाइड्रेट भी बनाता है। तो हमारी स्किन को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, इतना ज़्यादा फेस वॉश करते नहीं है, पानी नहीं यूज़ करते अपने फेस पे, तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो उससे स्किन हमारी डल भी पड़ जाती है। तो अगर आप टमाटर यूज़ करेंगे तो उसके आपकी स्किन हाइड्रेटेड फील करेगी और फ्रेश फील करेगी, तो आपकी स्किन पर ऑलरेडी बहुत सारा ग्लो आने ही लगेगा। तो चलिए हम यूज़ करते हैं टमाटर का। तो गाइस, मैंने यहाँ पे हाफ टमाटर ले लिया है, आपको पूरा फुल नहीं यूज़ करना है और एक टमाटर को आपको बीच से कट कर लेना है, जिससे कि जो इसका ये पानी सा होता है ये हमारी स्किन पे अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। और आपको इसको ऐसे अपनी स्किन पे धीरे धीरे करके लगाना है। तो आप इसमें कुछ भी चीनी शुगर वगैरह का ना यूज़ करें, अगर हाँ करना है तो कर सकते हैं एज ए स्क्रब के तौर पे, बट ऐसे ही इससे फेस अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मैं अच्छे से इसको क्लीन कर लूँगी। तो इसको आपको 5 से 10 मिनट तक करना है। अगर आपके पास टाइम है तो 5 मिनट तक ही कर लें, बहुत ज़्यादा होता है, 5 मिनट भी काफ़ी होता है। तो आपको 5 मिनट में इसका रिज़ल्ट अच्छे से दिखने लगेगा और आप इसको रेगुलर जब यूज़ करेंगे तो और भी अच्छा रिज़ल्ट आपको दिखेगा। अगर आप चाहें तो इसको कट करके फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, जो इसका पल्प होता है ना, ये सब भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, बस स्किन ही बचती है, बाकी सारा आपके स्किन में अच्छे से लग जाता है। और आपको 5 मिनट तक इसको रखना है। तो मैं अच्छे से इसको रब कर लूँगी। तो जितना भी आपकी स्किन पे डर्ट होता है वो इससे सारा निकल जाता है। जब आप इसको यूज़ करें तो ऐसे पीछे से इसको दबा दबा कर आप अच्छे से सारा रस इसका निकाल लें, और सारा रस आपको अपने स्किन पे अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लेना है। तो देखिए, मैंने अपनी स्किन पे अच्छे से इसको लगा लिया है। तो आपको इसको अब सूखने देना है, जब ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा तब आप इसको वॉश करें, तो ही इसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। अगर आपको जल्दबाजी है तो आप फिर भी 2 मिनट तक इसको रखेंगे, तभी आपकी स्किन पे अच्छे से ऑब्ज़र्व होगा और इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो मुझे अपने फेस पे अप्लाई किए हुए से काफ़ी देर हो गई है और आप देख सकते हैं कि अच्छे से ड्राई हो चुका है, बिल्कुल भी गीला नहीं है। तो अब आपको इसको वॉश कर लेना है, उसके बाद आप देखेंगे कैसा रिज़ल्ट आया है। तो मैं वॉश करके आती हूँ। कि मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है, अब आपको मैं इसमें पानी इसका हटा के फिर दिखाती हूँ। तो देखिए, मेरी स्किन पहले कैसी लग रही थी और अब कैसी लग रही है। ये जब आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो और भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो ये था मेरा आज का वीडियो गाइस, आई होप आप सबको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये रेमेडी कैसी लगी, यूज़फुल है या नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।